श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु और मुकुंद का उपाख्यान। या समय महाप्रभु ने यह आप पंडित निमाई होकर के आप यह गया श्राद्ध करने के लिए अपने पिता श्री के लिए यह विष्णु पद पे आप गए और वहां पे आपके ऊपर जो है ईश्वरपुरी महाराज की कृपा और कृपा लेकर के या समय आप लौट करके या समय आप नवद्वीप में आए गए तो आप पंडित निमाई होकर के और भक्त निमाई होकर के आप लौट और जा समय आपने अपने नुमाई लौट करके आए आपने सबसे पहले जो कीर्तन जो आरंभ कियो वो श्रीवास के घर में आपने जो है कीर्तन करनो प्रारंभ किया। या समय आपने श्रीवास के घर में कीर्तन प्रारंभ कियो वास्तव में कीर्तन करते करते आपको जो है अष्ट पहरिया भाव आया और जा समय अष्ट पहरिया भाव आया वास्तव में आपने कहते नाड़ा को बुलाओ नाड़ा को बुलाओ और वास्तव में श्री अद्वैताचार्य आए और अद्वैताचार्य महाप्रभु को वास्तव में जो है वो अपुरुष रूप के द्वारा आपने महाभिषेक किया और वास्तव में महाप्रभु ने एक एक को बुला करके आपने जो है कृष्ण प्रेम को आपने दान दिया। जा समय महाप्रभु जो है अष्ट पहरिया भाव में या समय आप जो है कृष्ण प्रेम को या समय दान करें महाराज वास्तव में जो है मुकुंद भी श्रीवास के पास में महाप्रभु एक एक को बुला रहे और महाप्रभु जब कृष्ण प्रेम को नाम दान करते चले जब जब दान करते करते जब महाप्रभु कहे और मुकुंद को नाम ही नहीं मुकुंद श्रीवास बोले कि श्रीवास मुझे ऐसा लगा प्रभु मुख भूल गए हैं अतः आप जाकर के प्रभु को मेरा इस्तेमाल श्रीवास की भी मुकुंद में अतः श्रीवास उठे और उठ करके आप जो है जो महाप्रभु जो ऐश्वर्य भाव में आप जो है जो सिंहासन का जो विराजे वे आप महाप्रभु के सामने गए हाथ जोड़ के खड़े हुए महाप्रभु ने कहे श्रीनिवास श्रीवास कैसे आए बोले प्रभु मैं आपसे कुछ प्रार्थना करने के लिए महाप्रभु बोले श्रीवास का प्रार्थना कर बोले महाराज मुकुंद यहाँ बैठे हुए हैं आपकी कृपा की बात देख रहे हैं आप उनको विस्मृत कर गए महाप्रभु बोले कौन मुकुंद तो श्रीवास बोले प्रभु आप मुकुंद को भूल गए कि जब कभी आप कृष्ण भाव में आओ वासना अपने मधुर कांति के द्वारा जो श्री कृष्ण लीला के श्री कृष्ण रूप के जो श्लोक है वो अपने मधुर कंठ के द्वारा आपको श्रवण करा में और आप गदगद हो जा आप मुकुंद को भूल गए जो श्रीवास ने कही महाप्रभु बोले हाँ 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 समझ गया समझ गया बोले महाराज वो आपकी कृपा की बात बोले मुकुंद से कह दे को जाओ उनका कृपा नहीं अब तो मुकुंद को भी चेहरा नीचे हो गया और श्रीवास को भी बड़ा फर्क प्रभु कहने के मुकुंद पर कृपा नहीं हो आकर के बिचारे नीचे नाड़ करके फैला श्रीवास बैठ गए महाप्रभु फिर आप बुला रहे फिर एक एक आप दान करते चले गए श्रीवास फिर श्रीवास फिर मुकुंद बोले कि महाराज ये तो मालूम पड़ गए मेरे पास कृष्ण कृपा नहीं लेकिन क्यों नहीं होगी ये शिवा फिर उठ करके फिर महाप्रभु महाप्रभु फिर बोले कि शिवास कैसे आए बोले प्रभु मैं आपसे ये प्रार्थना करके कितनी आयो कि मुकुंद ये पूछ रहे हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा क्यों नहीं महाप्रभु बोले के मुकुंद जो है शिवास वो एक निष्ठ में गंगा गए गंगा दास जमुना गए जा जैसे समुदाय में बैठे वह 22 समुदाय की बात करने लगे 22 समुदाय को मानने लगे एक निष्ठ नहीं है बहु इष्ठ है जब तक एक निष्ठ नहीं होगे तब तक कृपा की हमको प्राप्ति नहीं होगी आज या की उपासना करी कल मां की उपासना करी परसों मां की उपासना करी बस एक निष्ठा कहीं है ही नहीं अतः मुकुंद एक निष्ठ नहीं
अतः मुकुंद के ऊपर कृपा है। और ये बात वास्तव में कि मुकुंद जा जैसे समुदाय में बैठते आप वो ही बात कम अतः मुकुंद को अपनी गलती का एहसास फिर महाप्रभु कृपा करते रहे। मुकुंद के मन में फिर बात आई कि अगर मैं एक निष्ठ हो जाऊं तो मेरे ऊपर फिर कृपा कब आएगी। ये बात जो है फिर श्रीवास प्रभु से ये पूछा कि अगर मैं अपनी गलती मान लूं और मैं एक निष्ठ हो जाऊं तो मेरे ऊपर फिर कृपा कब आएगी। फिर श्रीवास और श्रीवास जाकर के बोले कि महाराज मुकुंद ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं अपनी गलती मान लूं और मैं एक निष्ठ हो जाऊं तो मेरे ऊपर जो है कृष्ण कृपा कब आएगी। महाप्रभु से जाकर के श्रीवास ने फिर प्रार्थना करके महाराज मुकुंद ये जानना चाहते महाप्रभु खिलखिला कर क्या कि शिवास तुम आज कौन की बात पे आ गए कि आज ऐसे भोले कैसे हो। अरे कृष्ण कृपा कोई सहज है। अरे श्री कृष्ण कृपा के कई तो कोटान कोट वर्ष तक जो है एक निष्ठ होकर के आराधन करना चिंतन करना तब जाकर के ऊपर जो ये बात महाप्रभु के मुख से आश्वासन सुनी तो खड़े हो गए हाथ जोड़े कि प्रभु अगर आपने आश्वासन दे दियो कि कोटान कोट वर्ष तक यह प्रतीक्षा कर ले पे और एक निष्ठ होकर कृष्ण कृपा हो तो मैं ये धैर्य रखने को तैयार हूं। और इतनों का कि मुकुंद जो आंगन के बाहर आए हाथ तो उनके कर लिए रोमांच उनके शरीर में हो आया और उनके अश्रु पास गए और उन्हें उछल कर कृपा होगी 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 मैं तो धैर्य रखने को तैयार हूं। जो मुकुंद की ऐसी आसक्ति रखी जो धैर्य रखी महाप्रभु तो परम कृपालु परम दयालु अखिलाशरण 22 समय उठ करके आए और मुकुंद को आपने आलिंगन कर लिया और कृष्ण कृपा अतः कृपा हट के द्वारा नहीं कृपा कृपा के द्वारा साधन करना भजन करना चिंतन करना नाम को आराधन करना भगवत सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कृपा करना उनकी मर्जी अतः वैसे में कही क्या अरे मूर्ख बालक तेरी ऊपर कृपा हट के द्वारा नहीं यह कृपा जो है कृपा के द्वारा अतः मैंने वैस में जो है हट करना तो पद क्या कर दियो और पद हट परित्याग करके मैंने जो है ये प्रारब्ध से जो मिलाव है जो ये पंच भौतिक जो देह है बाकी समाप्त हुए कि मैंने बाट देखने लगो समय आने पर जो है मेरी मृत्यु आई और मृत्यु आकर के ये मृत्यु जो है मैं सूक्ष्म रूप के है ब्रह्मा की जो है कि श्वास में मैंने प्रवेश कर लियो या से मैं ब्रह्मा ने सृष्टि करी वास में जो है ब्रह्मा की गोद के द्वारा जो है मेरा जन्म है और जन्म लेकर के वास में मैं जो है वो वैकुंठ धाम में गए और वैकुंठ में धाम में जाकर के मैंने जो है भगवान की मैंने स्तुति करी और जाते में मैंने भगवान की स्तुति करी भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न भए और प्रसन्न होकर के 22 में भगवान ने मुझको आशीर्वाद के तौर पर ये सिद्ध स्वर वाली ये वीणा मुझको यह प्रदान किया। वेद व्यास जा समय में या वीणा को लेकर के जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरादे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।